नेक्स्ट सागा किंग ऑफ फाइटर सीरीज का सेकंड चैप्टर है। मैं फर्स्ट चैप्टर ओरोची सागा को एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट सागा में गेम्स आते हैं किंग ऑफ फाइटर्स 99 से किंग ऑफ फाइटर्स 2001 तक, और मैंने किंग ऑफ फाइटर्स 98 को इसीलिए इग्नोर किया है क्योंकि ये एक नॉन कैनन गेम है और ये स्टोरी लाइन में नहीं आता, बिल्कुल किंग ऑफ फाइटर्स 2002 और किंग ऑफ फाइटर्स 12 की तरह। इन गेम्स का गेम प्ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ ड्रीम मैच गेम्स हैं जिनमें आप हर किस्म के करेक्टर्स से खेल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं किंग ऑफ फाइटर्स नेक्स्ट सागा पार्ट 1 को। तो ये स्टोरी 1997 में ही शुरू होती है जहां पर ओरोची सागा का एंड हुआ था। अब 2 साल बाद क्योंकि आँख खुलती है तो वो एक लैब में होता है और उसके चारों तरफ एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स और गैजेट्स मौजूद होते हैं। क्यों फौरन उस लैब से भागता है और वहाँ से निकलने के बाद उसे पता चलता है कि उसे किडनैप करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेस्ट कार्टेल। नेस्ट एक अंडरकवर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया पर कब्जा करने के लिए ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन और बायो इंजीनियरिंग पर काम कर रही है। क्यों इस बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि आखिर उसकी किडनैपिंग की वजह क्या है, और वो ये तय करता है कि जब तक उसे इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा वो घर नहीं लौटेगा। इसी दौरान क्यों के दोस्त बेनी मारू निकाइडो को किंग ऑफ फाइटर्स 99 टूर्नामेंट का इन्विटेशन मिलता है और उसे लगता है कि ये इनविटेशन शिंगो याबुकी ने भेजा है, लेकिन असल में उन दोनों को इनविटेशन नेस्ट कार्टेल ने भेजा होता है और उस इनविटेशन में उनके लिए मैसेज होता है कि उनके टीममेट्स हैं के डैश, जिसे वो जानते भी नहीं हैं, और उसका दोस्त मैक्सिमा। इन सब बातों से बेनी मारू को लगता है कि इस टूर्नामेंट में ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन वो फिर भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है सिर्फ इसलिए कि वो अपने दोस्त क्यों के बारे में जान सके। ये टूर्नामेंट पिछले टूर्नामेंट से बिल्कुल अलग होता है और मिस्ट्रीज से भरा हुआ होता है। इस टूर्नामेंट के होस्ट के बारे में किसी को भी मालूम नहीं होता, और इस बार टूर्नामेंट के रूल्स चेंज हो जाते हैं। अब हर टीम में 4 फाइटर्स होते हैं और उनमें से 3 फाइट करते हैं, और हर टीम का 4th फाइटर एक सपोर्टर या स्ट्राइकर के तौर पर एक्ट करता है। इकारी स्क्वाड के कमांडर हाइड्रेंट को इस बात का शक होता है कि इस टूर्नामेंट के पीछे नेस्ट कार्टेल हो सकती है, और इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए वह अपने एजेंट्स राल्फ क्लर्क और लियोना को भेजता है। और इस बार हाइड्रन अपनी टीम में एक नई लड़की को रिक्रूट करता है जिसका नाम होता है विग। बेनी मारू, शिंगो, के डैश और मैक्सिमा द न्यू हीरोज टीम बनाकर किंग ऑफ फाइटर्स 99 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और सारी टीम्स को हराते हुए फाइनल्स तक पहुंचते हैं। आखिरकार फाइनल में उनकी मुलाकात टूर्नामेंट के होस्ट से होती है जिसका नाम है करीजाले, एक नेस्ट ऑफिसर जो दिखने में काफ़ी हद तक के डैश जैसा होता है। यहाँ के डैश को पता चलता है कि वो नेस्ट क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट है। के डैश को क्यों कुसनगी का DNA यूज़ कर बनाया जाता है, और यही वजह है कि के डैश फायर को यूज़ कर सकता है। के डैश की मेमोरी को अल्टर किया जाता है और उसके पास्ट से रिलेटेड हर चीज़ को या तो इरेज कर दिया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है, और उसे ये बिलीव कराया जाता है कि वो करीजालेद का क्लोन है, जो सच के बिल्कुल अपोजिट है। असल में करीजालेद क्योकुसनगी का एक अल्टीमेट क्लोन है,
और के डैश इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ एक टेस्ट होता है। नेस्ट कार्टेल पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहती है और इसके लिए उन्हें जरूरत होती है सुपर सोल्जर्स की एक आर्मी की। इसी वजह से वो क्यो को सनयो किडनैप करते हैं और उसका डीएनए इस्तेमाल करते हुए हजारों क्लोन्स बना डालते हैं और उन्हें पूरी दुनिया में फैला देते हैं। और नेस्ट ने ये टूर्नामेंट सिर्फ इसीलिए ऑर्गेनाइज किया था ताकि वो फाइटर्स का बैटल डेटा स्टोर करके अपने क्लोन की आर्मी को एक्टिवेट कर सकें। और इस टूर्नामेंट में नेस्ट अपनी टीम द न्यू हीरोज टीम को सिर्फ इसीलिए भेजती है ताकि वो बाकी फाइटर्स को फाइनल्स में आने से रोकें। इन सब बातों को जानने के बाद के डैश अपनी टीम मेट्स की मदद से नेस्ट के खिलाफ खड़ा होता है और करी जालिद को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। आखिरकार वो लोग करी जालिद को हरा लेते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि नेस्ट कार्टेल करी जालिद का यूज कर रही थी। और अब सारा बैटल डेटा मिलने के बाद नेस्ट का एक सुपीरियर ऑफिसर करी जालिद को मार देता है। अब अचानक से नेस्ट बेस तबाह होने लगता है और इस दौरान के डैश और मैक्सिमा बाकी टीममेट से अलग हो जाते हैं और अचानक से उन पर इकारी स्क्वाड हमला कर देती है। के डैश मैक्सिमा से कहता है कि वो अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता है और अपने फ्रेंड की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैक्सिमा सारी बुलेट्स को डॉच करता हुआ के डैश को वहां से बचा कर ले जाता है। किंग ऑफ फाइटर्स 99 के एंड में जो इवेंट्स पेश आते हैं, इससे हाइड्रेंट का कंसर्न इस बारे में और ज्यादा बढ़ जाता है कि आखिर नेस्ट का असली ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन वो इस बारे में कुछ जान नहीं पाता क्योंकि उसे उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। इसी दौरान हाइड्रेंट के पास उसका एक पुराना दोस्त कमांडर लिंग आता है और वो उसे बताता है कि अगर वो नेस्ट कार्टेल के बारे में जानना चाहता है तो उसे के डैश और मैक्सिमा को ढूंढना होगा। हाइड्रन और लिंग मिलकर किंग ऑफ फाइटर्स 2000 एडिशन ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो नेस्ट के बारे में जान सकें। वो दोनों दो नए एजेंट्स को रिक्रूट कर वैनेसा और रेमोन और उन्हें ऑर्डर देते हैं कि वो के डैश और मैक्सिमा को ढूंढें और उनके साथ टीम अप करके टूर्नामेंट में इंटर हों और टूर्नामेंट के दौरान उन पर नज़र रखें और एंड में उन्हें किडनैप कर लें। लिंग एक और एजेंट को रिक्रूट करता है जिसका नाम है सेथ और उसे ऑर्डर देता है कि वो रॉन को किडनैप करे। रॉन एक असैसिन्स ग्रुप द फ्लाइंग ब्रिगेंड्स का लीडर है और रॉन अपने ग्रुप को धोखा देता है और नेस्ट कार्टेल को ज्वाइन कर लेता है। सेथ रॉन के सबसे करीबी दोस्त लिन को ढूंढता है और उसे बताता है कि अगर वो रॉन के बारे में जानना चाहता है तो वो उसके साथ किंग ऑफ फाइटर्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे और वो दोनों बैनी मारू और शिंगो के साथ टीम अप करके टूर्नामेंट में इंटर होते हैं। जब नेस्ट को पता चलता है कि के डैश किंग ऑफ फाइटर्स 2000 एडिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो उससे बदला लेने के लिए अपने एक नए हथियार को भेजते हैं जिसे सिर्फ के डैश को हराने के लिए ही बनाया गया था, एक छोटी सी लड़की के रूप में एक खतरनाक हथियार जिसका नाम था कूला डायमंड। इस बात का ध्यान रखते हुए कि के डैश की तरह कूला भी उन्हें धोखा ना दे, नेस्ट अपने दो टॉप एजेंट्स को भेजता है कूला पर नजर रखने के लिए। के डैश की टीम फिर से फाइनल्स तक पहुंचती है और वहां पर उन्हें पता चलता है कि टूर्नामेंट का असल होस्ट है एक नेस्ट ऑफिसर जिसका नाम है जीरो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।